स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। गद्दारी करना है अगर तो खुल के गद्दारी करें। मुझे दोनों भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। आपने नोटा दबाने का आह्वान किया लोगों से? नोटा दबाने का आह्वान किया? विधायक का तो कहना है कि नोटा दबाने से आपका जो बहुमूल्य वोट है वो खराब हो जाएगा। आपने आवाज़ साहब से बात की कि वो लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला? आवाज़ साहब से ज्यादा अच्छा कोई उम्मीदवार आपको दिखा था? इंडिया एयरलाइंस ने उनको टिकट नहीं दी होगी, उन्होंने देना चाहिए था उनको टिकट। एक्स खासदार जो है श्रीकांत शिंदे आए हमारे ऑफिस पे आए, हमने उनका सत्कार किया। सबसे पहला तो कच्चे कान रखो मत। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल कल्याण लोकसभा सीट की जो उम्मीदवार हैं वैशाली दरेकर, या यूं कहें कि इंडिया एयरलाइंस के तरफ से एक सभा आयोजन किया गया था, और इस सभा के दौरान कलवा मुमरा के जो विधायक हैं जितेंद्र अवाट, उन्होंने कहा कि एक मियाँ बीवी की जोड़ी है जो मुमरा में लोगों से ये आह्वान कर रही है कि नोटा जो है दबाया जाए, ताकि नोटा अगर लोग दबाते हैं तो इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन जितेंद्र अवाट से पूछा गया जब कि आखिर वो मियाँ बीवी कौन हैं जो इस तरह के नोटा दबाने के लिए लोगों को आह्वान कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है इसका खुलासा नहीं किया, किसी का नाम भी नहीं लिया। लेकिन शहर में एक अलग ही चर्चा है इस बात को लेकर कि जो एनसीपी पार्टी की ही पूर्व नगर सेविका हैं अश्विन राउत, उनके पति जो हैं इब्राहिम राउत, इन लोगों का नाम सामने आ रहा था कि इन लोगों ने नोटा दबाने का सोशल मीडिया के जरिए या फिर लोगों से मिलकर जो है आह्वान किया था। विधायक जितेंद्र अवाट ने तो नाम लिया नहीं है किसी का कि कौन है वो, लेकिन मियां बीवी की जोड़ी बताई जा रही है और शहर में चर्चा है आपके और आपके हस्बैंड की कि आप दोनों लोग जो है लोगों से नोटा दबाने का आह्वान कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्या वाकई में आप लोग आह्वान कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आपने मेरी बाइट पहले भी देखी होगी। मैंने पहले तो मेरी बाइट में बीजेपी का विरोध किया, उसके बाद में मैंने कैंडिडेट के बारे में बोला, उसके बाद में मैं आपसे यहाँ पे ये भी खुलासा करना पसंद करूँगी कि 29 कैंडिडेट है, आप किसी को भी वोट दो। मैंने ये नहीं बोला कि आप ये करो, और उसके अलावा जो चॉइस है वो नोटा की। अवार्ड साहब ने किधर मेरा नाम लिए है क्या, मेरे बारे में बोले क्या? अवार्ड साहब, आप डायरेक्ट मेरे ऊपर कैसा मतलब वो कर सकते हो कि मेरे ही बारे में बोले होंगे? हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप, आपको बोला, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि उन्होंने नाम नहीं लिया। हाँ। लेकिन शहर में एक चर्चा है इसी आपका और आपके हस्बैंड का नाम आ रहा है। देखिए कैसा है ना इस्लाम दिमाग, मेरे को एक नाराज़गी ये थी कि मैंने मेरी वीडियो में एक सवाल किया था कि अवार्ड साहब को खासदार की टिकट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि अवार्ड साहब जो है एक अच्छे स्टेट लेवल के नेता हैं और इनको बहुत से लोग पसंद भी करते, हर कोई इन्हें जानता है, पहचानता है। 3 टर्म इन्होंने आमदार की का इलेक्शन लड़ा है, तो इनको राज्यसभा में होना चाहिए अभी। तो मैंने सिर्फ यही अपनी वीडियो में जो है अपील की, तो मुझे नहीं लगता है कि अवार्ड साहब को मेरी कोई बात बुरी लगी होगी या फिर उन्होंने मेरे ही बारे में बोला होगा, क्योंकि आज भी मेरा मुद्दा यही है और मेरी नाराज़गी यही है और मेरी नहीं जाने की। आपने नोटा दबाने का आह्वान किया लोगों से? नोटा दबाने का आह्वान किया बोले तो मैंने क्या बोली कि तुमको अगर कैंडिडेट पसंद नहीं आते 29 कैंडिडेट में से, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखी है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, आप वोट देने के लिए जो है वहाँ तक पहुँचो। लेकिन विधायक का तो कहना है कि नोटा दबाने से आपका जो बहुमूल्य वोट है वो खराब हो जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे उम्मीदवार को वोट दें, यही तो बात वो कह रहे हैं। तो अच्छा उम्मीदवार अवार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा कोई उम्मीदवार आपको दिखा था?
अभी देखिए 2007 में हम लोगों ने जो आप कह रहे हैं कि जो जितेंद्र वार्ड है उनको लड़ना चाहिए था, उनको टिकट लेना चाहिए था। अगर उनको लड़ना होता तो वो खुद आगे बढ़ के अपना ले लेते, उनको नहीं लड़ना है कहीं ना कहीं से, तभी तो वो नहीं अपना दावा कुछ पेश किया। पार्टी ने टिकट नहीं दी होगी ना, ऐसा क्यों वो नहीं क्यों लड़ेंगे वो? अगर वो इतना बेबाक होके बेधड़क अगर वो बोल रहे हैं हमारे फेवर में, वो लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, हमारी बाजू वो रख रहे हैं, तो क्यों नहीं लड़ना पसंद करेंगे वो? इंडिया एलायंस ने उनको टिकट नहीं दी होगी, उन्होंने देना चाहिए था उनको टिकट। यही तो हमारी नाराज़गी है कि जब उन्होंने वहाँ पे थाना में राजन विचारे को दिए थे तो यहाँ पे आवार साहब को दे देना चाहिए था। आप नोटा के बारे में क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आप लोग क्या वाकई में लोगों को आह्वान किए, बोले घर घर जाके? आप एक भी बंदा ऐसा लेकर आओ कि जो ये बोले कि अश्विन राउत या इब्राहिम राउत ने नोटा दबाने के लिए बोला है, क्योंकि जब मैंने बोली ही नहीं हूँ तो मुझे ये चीज़ का डर भी नहीं है। और जिस तरीके से अगर डायरेक्ट गद्दारी करना है अगर तो खुल के गद्दारी करें, जिसके साथ जाना है उनके साथ चले जाएं, इस तरह का उन्होंने कहा। देखिए, किसी के आने से या किसी के मिलने से कोई गद्दार नहीं होता है। रही बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलते हैं और हमारे हदीस का भी मफहूम है कि अगर दुश्मन भी आए तो उसको इज्जत दो। हमारे दरवाजे में जब हमारे खासदार, एक्स खासदार जो है श्रीकांत शिंदे आए हमारे ऑफिस पे आए, हमने उनका सत्कार किया। उस वक्त की भी अगर आपने मेरी बाइट देखी होगी तो मैंने यही कहा कि मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं मेरे वार्ड वालों से चर्चा करके बताऊँगी। और मैंने मेरी दूसरी बाइट में क्लियर किया है कि मुझे दोनों भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। अब दोनों ही कैंडिडेट शिवसेना से हैं, एक उद्धव गुट एक शिंदे गुट, तो दोनों कैंडिडेट आपको क्यों नहीं पसंद है? देखिए, मैंने जब 2007 का इलेक्शन लड़ी थी तो बाला साहब ठाकरे ने भी यही कहा था, और ऐसा नहीं है आज भी इनके लोग मंच पे से जो राउत है संजय राउत जी वो बोलते हैं, फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे साहब खुद बोलते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, तो जब तोड़ी तो तोड़ी। एक बोलता है मैंने तोड़ू ही तोड़ने के लिए वो किया, दूसरा बोलता है मैंने तोड़ के दिखाया, तो आप कैसा बोलोगे फिर? और खुद अल्तमश फैजी साहब आपके ही स्टेज से बोल रहे हैं कि हो सकता है कल को ये भी उनके साथ मिल सकते हैं, मतलब डाउट तो आज उनके भी दिल में कहीं ना कहीं है ना। जब मेरा दिल ही मुतमइन नहीं है उस कैंडिडेट के लिए, तो जब नहीं है तो नहीं है, मैं अपना पक्ष रख सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी तो जो है मुस्लिम वो सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टियों को लगभग कर रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन जो है ना इस्लामुद्दीन भाई, तुम्हारा या मेरा नहीं, हम सबका है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे बोलने से, इनके बोलने से या मेरे बोलने से, किसी जनता खूब जानती है किसको वोट देना है। और जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है, इसके लिए सब एक होकर बात करें। लेकिन इस जगह पे मुमरा में कैंडिडेट भी तो उन्होंने सही देना चाहिए था ना। अगर स्टेट लेवल पे अगर कोई बात, क्या खराब है कैंडिडेट ने? नहीं, मुझे बोली ना मैंने कि वो उन्होंने जो है आवार साहब की जगह पे उसको क्यों टिकट दिए। आपने आवार साहब से बात की कि वो लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला? मैं क्यों बात करूं? जब वो बात स्टेट लेवल की करते हैं, इतने अच्छे नेता हैं, एक अच्छे नेता को वो नहीं करते हुए पार्टी दूसरे को बढ़ावा दे रही है। आप बोल रहे हैं कि अच्छे नेता हैं और वो स्टेट लेवल की बात करते हैं, आप बोल रहे हैं वो राज्यसभा के नेता है कि नहीं? इस्लामुद्दीन भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम? राज्यसभा के नेता है कि नहीं आवार साहब, बताओ ना तुम? आज वो एक हमारा पक्ष रखते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं तुमको लगता नहीं है क्या कि आवार साहब अपने लिए बात कर रहे हैं? चाहे वो अभी जय भीम वाले हो, कोई भी हो, हर समाज के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो उनको क्या मसला था? वो टफ फाइट रहती थी कि नहीं? आप खुद के दिल से पूछो ना, श्रीकांत शिंदे और आवार साहब का इसका मतलब ये है कि आवार साहब को टिकट नहीं मिला? जी जान से मेहनत करते, पैसा भी लगाते। आवार साहब को टिकट नहीं मिला या वो लड़ना नहीं चाहते थे, क्या हुआ वो खड़े नहीं हुए चुनाव में? अगर आवार साहब खड़े रहते तो आप चुनाव प्रचार करते, वो नहीं खड़े हैं इस वजह से आप जो है नहीं कर रहे हैं। और यही वजह क्या माना जाए कि आप नोटा दबाने के लिए कह रहे हैं? देखिए, नोटा दबाना नहीं दबाना मैंने कहीं जाके किसी को पर्सनल बोली नहीं हूँ। मेरी बाइट अगर आप गौर से, और सबसे पहला तो कच्चे कान रखो मत किसी चैनल पे। आप इस्लामुद्दीन भाई, कच्चे कान रखना ही सबसे बुरी बात है। जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे रहते हो ना, तो कच्चे कान नहीं रखना चाहिए। आप लोगों ने पहला बात को सही तरीके से, पूरी तरीके से सुन के जनता में उसको वायरल करना चाहिए। आप अगर मेरी बाइट सुनोगे ना, तो मैंने उसमें साफ सुथरे अल्फाज में बोली हूँ कि भाई आप लोग वोट देने बाहर निकलो,
29 कैंडिडेट है, मैंने 29 कैंडिडेट नहीं बोली थी, मेरी वो बाइट में सिर्फ इतना बोली थी कि कैंडिडेट है, आप लोग कैंडिडेट अगर नहीं पसंद आता है तो नोटा दबाओ। और ये गवर्नमेंट ने रखी है, मैंने नहीं रखी हूँ उसमें ऑप्शन, लेकिन ओट डो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। और एक आदमी तो ऐसा पकड़ के लेके आओ कि जो ये बात करे कि अश्विन राउत या इब्राहिम राउत ने बोला है कि आप नोटा दबाओ। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो नोटा दबाने की बात सामने आ रही थी और जो शहर में चर्चा है कि इब्राहिम राउत अश्विन राउत इन लोगों ने लोगों से नोटा दबाने का आह्वान किया, तो इनके तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है ये आह्वान किया था कि जो 29 कैंडिडेट है अगर उसमें कोई पसंद आता है आपको तो आप उसे मतदान करें, और अगर नहीं पसंद आता है तो एक नोटा बटन होता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि हमें इसमें कोई पसंद नहीं है।